हेलो एवरीवन, सो आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अंडर 10,000 के मोबाइल के बारे में। तो बहुत ही ज्यादा कमाल की वीडियो होने वाली है और आज हम लोग टॉप 4 मोबाइल्स की बात करेंगे जो कि अंडर 10,000 में। भाई बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कौन सा मोबाइल हमें बाय करना चाहिए अंडर 10,000। चलिए टाइम पर वेस्ट नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। पर अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मोबाइल में से कौन से बेस्ट लगे। और वीडियो के एंड में आपको मैं ये भी बताऊंगा इन टॉप 4 मोबाइल में से सबसे ज्यादा बेस्ट मोबाइल कौन सा है, जिसमें बैटरी, प्रोसेसर और कैमरा, ये सारी चीजें मैं बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मोबाइल हमारा रेडमी का है। सो गाइस, सबसे पहले मोबाइल हमारा तो रेडमी 12 मॉनसून सिल्वर 128 GB। इसकी रोम रहेगी 4 GB रैम और 128 GB रोम, और आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। और इसकी स्क्रीन आपको 6.9 इंचेस की मिल जाएगी फुल डिस्प्ले के साथ। और इसमें आपको 3 कैमरे मिलेंगे, रियर और एक फ्रंट कैमरा भी मिलेगा, 50 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP। उसके बाद हम लोग को बैटरी लाइफ इसकी काफी अच्छी खासी है, 5000 mAh बैटरी। और इसको प्रोसेसर भी ठीक ठाक मिल जा रहा है, G88 प्रोसेसर, यानी आपका मोबाइल काफी अच्छा खासा प्रोसेसर है। और काफी चीजें आप इसमें अच्छे कर सकते हैं, अपने फोटो वीडियो सारी चीजें आप कर सकते हो, आपके बेसिक सारे चीजें हो जाएंगी और इसमें आपको गेम भी खेल पाओगे। उसके बाद बात करते हैं गाइस, दूसरा मोबाइल है हमारा मोटोरोला। तो मोटोरोला इसका पूरा नाम है मोटोरोला G32, जो कि सैतन सिल्वर में आता है, 128 GB इसकी रोम है और 8 GB रैम। देखिए जो भी मैंने मोबाइल्स बताए हैं उनके वेरिएशंस भी आते हैं, आप जाके लिंक पे चेकआउट कर सकते हो। तो 8 GB रैम और 128 GB रोम, और इसकी डिस्प्ले आपको 6.5 इंचेस के साथ आपको मिल जाएगी फुल डिस्प्ले। इसमें भी 3 कैमरे आपको मिल जाएगा, 58 और 2 MP। और फ्रंट कैमरा आपको सबसे ज्यादा इसमें मिलेगा 16 MP। और इसकी बैटरी लाइफ भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, 5000 mAh लिथियम पॉलीमर बैटरी आपको मिलेगी। और इसका आपको प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर, तो प्रोसेसर काफी अच्छी कंपनी का मिल रहा है क्वालकॉम। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन काफी अच्छी खासी कंपनी है जो इसके प्रोसेसर बनाती है। उसके बाद मोटोरोला का एक और वेरिएशन है जहां पर आप अच्छे मोबाइल्स हैं, ये भी आपको अंडर 10,000 के बजट पे। तो मोटोरोला E13 ये लिटिल बॉय ब्लू है, 128 GB इसकी रोम है और 8 GB रैम के साथ आपको मिल जाएगी। ये भी आप इसकी रैम को एक्सपैंड कर सकते हैं और आपको कैमरा इसमें रियर कैमरा आपको मिल जाएगा 13 MP और आपको फ्रंट कैमरा 5 MP, यानी एक कैमरा ही मिल रहा है बस इसमें, एक ही चीज है पर बजट मोबाइल है। और यूनिसोनिक का है E60 प्रोसेसर। और आप प्राइस आपको सारे के सारे वीडियो के एंड में बता दूंगा, उसके लिए परेशान हो। वीडियो अच्छे लग रहे तो प्लीज लाइक करो यार। उसके बाद हम लोग लास्ट मोबाइल के बारे में बात करो, इन सबसे ज्यादा अच्छे खासे मोबाइल की बात करूँ तो थोड़ा सा प्राइस इसके आस पास है, पर ये मोबाइल भी काफी ज्यादा बजट का है इसीलिए मैंने इसको भी इस वीडियो में रखा। ये मोबाइल का नाम है Vivo T2X 5G मैरिन ब्लू, 128 GB रोम और 6 GB रैम के साथ। आप इसकी डिस्प्ले आपको 6.58 इंचेस के साथ मिल जाएगी फुल डिस्प्ले के साथ। इसमें आपको 2 कैमरे मिल रहे हैं, 5 MP प्लस 2 MP और रियर कैमरा 8 MP। और इसकी आपको जो प्रोसेसर वो डायमेंशन, यानी ये चारों मोबाइल काफी अच्छे। अब बात कर लेते हैं इन सारों के प्राइस के बारे में, तो ये प्राइस इनके क्या है। तो अगर मैं बात करूँ रेडमी 12 की, तो रेडमी 12 की प्राइस है 8,999 रुपीज, जो की अभी सेल चल रही है। और ये भी क्योंकि सेल चल रही है इसकी वजह से इस प्राइस डाउन। और लास्ट वन है हमारा Vivo T2X 5G। बात करते हैं गाइस कि इन चारों में से सबसे बेस्ट मोबाइल कौन सा है, कैसे परफॉर्म करोगे, कैसे चूज करोगे कि इन चारों में कौन सा बेस्ट मोबाइल है, बैटरी, कैमरा और सारी चीजें, यानी आपको ये मोबाइल लेना चाहिए। ये मोबाइल आपको 9,999 रुपीज में मिल रहा है, बेस्ट प्रोसेसर के साथ, कैमरा ट्रिपल कैमरा के साथ है और 8 MP के साथ मिल रहा है और बैटरी लाइफ भी अच्छी। तो ये मोबाइल आपको चूज करना चाहिए अगर चारों में से बेस्ट मोबाइल, आपको यही सजेस्ट करूंगा। और इन सारे मोबाइल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप प्राइस चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं बट ऑलमोस्ट ये इतने ही है। और अभी सेल चल रही है इसकी वजह से इसका प्राइस डाउन हुआ है। और अभी जाओ बाय करो या बुक करो, जो भी करना है करो, बट एग्जैक्टली ये मोबाइल अभी कुछ दिनों के बाद वापस से अपने ओरिजिनल प्राइस में आ जाए। सो गाइस, आई होप मुझे लगता है आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको अच्छी लगी कि नहीं। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लाऊंगा।